महाशिवरात्रि पर जहाँ शिव भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, तो वहीं भगवान शिव का यह महापर्व भांग के बगैर कुछ अधूरा सा नजर आता है। कहते हैं कि भांग के प्रसाद से खुद भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में जब शिवरात्रि का मौका हो तो भक्त भी भांग का प्रसाद लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, और दुकानों पर भी अलग अलग तरह की भांग भी घोटी जा रही है। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम। हर मनुष्य चाहता है कि मैं भगवान भोले की सेवा करूं, उनकी पूजा करूं, उनको प्रसाद चढ़ाऊं और प्रसाद ग्रहण करूं। प्रसाद में सबसे प्रिय भगवान भोले को भांग है। हर प्राणी चाहता है कि भगवान भोले का प्रसाद लेके मैं आनंद लूं, और अभी अपन देख ही रहे हैं पूरी तरफ चारों तरफ आनंद बिखरा हुआ है। हमारे वहाँ पे पिछले एक माह से हम तैयारी कर रहे हैं भगवान भोले की। हमने इसको आज बनाया है, काजू शेक बनाया है, पिस्ता शेक बनाया है, बादाम शेक बनाया है, काजू कतली बनाई है, गुलकंद बनाया है भांग का। इंदौर में भी भगवान भोले के भक्तों ने ठंडाई के साथ भांग का मजा लिया और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।